Hello everyone, today I prepared a new craft, turtle. Let's make together, it's very easy. तो उसके लिए हमें क्या मटेरियल चाहिए? कुछ कटिंग्स हमने जो की हुई हैं, सर्कल और टू आईज हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, और ये थ्री स्ट्रिप्स इसी शेप में हमें चाहिए. ये टू सेम साइज की हैं, थोड़ी सी थिन है, बट ये थोड़ी सी इसका साइज थोड़ा सा बिग है, तो इसके शेप में हमें नीड है. आप तीनों सेम भी ले सकते हैं. और टू डिफरेंट कलर की शीट हमें चाहिए. इट इज़ अप टू यू व्हाट यू नीड. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. तो ये जो हमारे पास शीट है, हम क्या करेंगे, उसका हाफ करें, उसको रेक्टेंगल शेप से हम हाफ करेंगे. हमें इस तरह से करना है कि हमारे पास सिक्स पीसेज आ जाएँ. तो ये हमने फोल्ड किया, देन हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, उसके बाद वन फोल्ड और. तो ये हमारा फोल्ड हो गया. अब हम किसी की भी हेल्प लेकर हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे. तो मेरे पास जैसे सपोज गिलास है, आप कुछ भी ले सकते हैं. तो मैं इसकी हेल्प से यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करने वाली हूँ. तो ये देखिए, ये ड्रॉ हो गया है. अब हम सीजर की हेल्प से इसको कट करेंगे. ईजिली मीन्स हमें सिक्स सर्कल चाहिए. आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. इट इज़ अप टू यू. तो ये सर्कल्स हमारे पास आ गए हैं. हमें सिक्स सर्कल चाहिए, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये सर्कल हमारे पास आ गए हैं डियर. सेम अब इसी साइज़ के हमारे पास जो सेकंड शीट है, हम उसका भी उसी तरह से फोल्ड करके हमें सिक्स सर्कल, जो डिफरेंट कलर की शीट थी उससे हमें चाहिए. तो हम सेम वही प्रोसेस है, ऐसे ही यूज़ करेंगे. उसी की हेल्प से हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और सीजर की हेल्प से हम कट करेंगे. आई होप यू क्लियर द कंसेप्ट. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा क्राफ्ट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल्सो. देखिए, सिक्स सर्कल्स हमारे पास ये आ गई हैं. सेकेंड जो कलर था हमारे पास वो टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, डन. अब इनसे हमें क्या करना है, इन सर्कल्स को हम हाफ फोल्ड करेंगे. तो डियर, मैं आप किसी भी साइड से फोल्ड कर सकते हो. तो ये हाफ फोल्ड हो गया है, देन उसका एक और हाफ फोल्ड हमें करना है. तो ये शेप हमें निकालनी है. फिर हम क्या करेंगे, फेविकोल की हेल्प से ये जो पोर्शन है इसको हम पेस्ट कर देते हैं. तो ये हमने पेस्ट कर दिया है, डन. अब हम जब इसको ओपन करते हैं तो ये शेप हमारे पास निकल कर आती है. तो हमें ये चाहिए. तो जितने भी ये सर्कल्स हैं उन सभी से हम इस तरह से फोल्ड करके हम ये बना लेते हैं. तो डियर देखिए, ये हमने यहाँ पे जितने भी सर्कल थे हमारे पास, उनका हमने ये शेप सेम उसी तरह प्रोसेस से हमने बना लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर फेविकोल यूज़ करना है. और जो सेकंड डिफरेंट कलर के, सपोज ये हमारा ब्राउन है तो ये हमारा येलो है, डिफरेंट कलर की जो शीट है वो हमें यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करनी है, देन. अभी हमने येलो पेस्ट किया था, तो यहाँ पर हम ब्राउन कलर पेस्ट करने वाले हैं. तो ये हमारे पास ब्राउन है, उसको भी हम उसी प्रोसेस में यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करने वाले हैं. तो ये जितने भी हैं, हमें ये सभी इसी तरह से पेस्ट करने हैं. तो ये देखिए, वन बाय वन हम बिल्कुल नीटली इनको ऐसे ही पेस्ट करते जा रहे हैं. तो आपको भी यही स्टेप फॉलो करना है. डन डियर, देखिए, हमने सिक्स जितने भी हमारे पास ट्वेल्व सर्कल थे वो सभी हमने
पेस्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर फेविकोल यूज़ करेंगे और इसको इस तरह से घुमाकर हमें ये पेस्ट करना है। तो जब आप इसको करेंगे तो ये इजीली पेस्ट हो जाता है और ऐसे ही हमें राउंड शेप इसको देनी है। देखिए हमें इस तरह से इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, जो हमारे पास सर्कल्स थे वहाँ पर हमारे पास जो टू सेम साइज़ की शीट थी वो हमें पेस्ट करनी है। तो सिंपली हम उसको फेविकोल की हेल्प से ऐसे पेस्ट करेंगे। अब जो सेकंड है उसको हम ऐसे प्लस में करेंगे, आप प्लस में कर लीजिए या क्रॉस में कर लीजिए, सेम वही आना है। तो ये हमारा पेस्ट हो गया। अब जो हमारे पास जो थर्ड शीट थी हमें उसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ये देखिए ये हमारा पेस्ट हो गया है और यहाँ पर हमें सेंटर में इसको पेस्ट करना है। तो ये हमारा यहाँ पर ये पेस्ट हो गया, डन। अब जो हमारे पास टू आईज थी हम वो भी पेस्ट करेंगे, तो वो हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट हो गई और जो हमारे पास अप साइड में था वो हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। तो फेविकोल का यूज़ करके हम यहाँ सेंटर में फेविकोल यूज़ करेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पर अपने पेस्ट करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे हम ताकि ये अच्छे से सूख जाए। अब फेविकोल मार्कर की हेल्प से हम यहाँ पर टर्टल का माउथ बनाएंगे। ये माउथ बन गया है। यहाँ पर इन लेग्स हमें ये पैटर्न फॉलो करना है और फोर डॉट, फोर की फोर लेग्स में हम इस तरह से ही सेम एज इट इज बनाने वाले हैं। आई होप यू क्लियर इट एंड लाइक माय क्राफ्ट। डियर आपको मेरे क्राफ्ट कैसे लगते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए डियर ये हमारा क्राफ्ट एकदम रेडी हो चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हमने सेकंड बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। आई होप यू लाइक इट।